Well, at this point of time, let's take a pause in sports and head straight to Preet Vihar, where Union Minister for Urban Development Venkaiah Naidu is speaking. मीटिंग में पब्लिक सार्वजनिक कार्यक्रम में आके हंगामा नहीं करना चाहिए. कोई भी पार्टी हो, हमारा पार्टी हो, दूसरी पार्टी हो, लोकतंत्र में पद्धति होता है जब जनप्रतिनिधि मंत्री कोई अधिकारी आए तो उनसे मिलना, रिप्रेजेंटेशन है तो देना, केवल डेमोन्स्ट्रेशन करना है तो अलग बात है. इसलिए मुझे इतना अनुभव नहीं है जिन लोगों का अनुभव है. मुझे केवल 40 साल अनुभव है राजनीति में. मैंने भी बहुत कुछ आंदोलन देखा और आंदोलन भी किया है. और जब मंत्री तैयार हो गए तो रिप्रेजेंटेशन देना, और रिप्रेजेंटेशन में जो सत्य है उसको आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे. फिर भी मैं चाहता हूं उसका समाधान आने वाले दिनों में हो जाएगा. मित्रों, देश में एक परिवर्तन आ रहा है. ट्रांसफॉर्म मिशन, ट्रांसफॉर्म नेशन, ए ट्रांसफॉर्मेशन. ये काम हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश भर में सभी इलाका में परिवर्तन का काम हम लोग कर रहे हैं. परिवर्तन माने केवल कुछ दिखावों के लिए नहीं है. इट इज नॉट जस्ट टू शो समथिंग, बट यू आमूलाग्र परिवर्तन होना चाहिए. कारण क्या है, इस देश में इतना साल आजादी के बाद भी अभी भी मौलिक समस्याओं का समाधान पूरा नहीं हो पाया. कुछ नहीं हुआ ऐसा नहीं कहता हूं, कुछ मात्रा में हुआ है, मगर जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया. इसलिए प्रधानमंत्री ने प्लानिंग कमीशन को भी परिवर्तित करके NITI नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग बनाया. नीति आयोग के द्वारा देश में समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयास कर रहे. और साथ ही साथ इसमें एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में हमने स्वच्छ भारत मिशन लिया. स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ने मुझे पहले दिन कहा, वेंकैया जी ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये सरकार का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए. स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन का रूप लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने मुझे मार्गदर्शन किया. उसी हिसाब से मैं सभी मुख्यमंत्रियों को और सभी चीफ सेक्रेटरीज को, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स को, सबको देश भर में पत्र लिखा. ये खुशी का बात है, आनंद का बात है. सभी स्टेट साथ देने के लिए तैयार हो गया और सबके साथ मिलकर हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं. स्वच्छ भारत एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं हो सकता है. कारण क्या है, स्वच्छ भारत का स्वच्छता हम सबका काम है, सभी पार्टीज का काम है. दिल्ली से लेकर गली तक, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, सभी इलाके में काम होना चाहिए, हर एक घर में होना चाहिए, हर एक का मन में होना चाहिए. मुझे ये बताते हुए मैं आनंद महसूस कर रहा हूँ. एक दिन मेरा ग्रैंड डॉटर वो आके मुझे बता रहे थे, अपना स्कूल में एक लड़की ने चॉकलेट के लिए चॉकलेट खाया और वो रेफर छोड़ रहे थे नीच में. दूसरी लड़की बगल में जो है उन्होंने उसको पकड़ के कहा, ए ये स्वच्छ भारत मोड़ी, तो एकदम वो लड़की ने उसको नीचे जाके उसको वापस लिया और अपना जोब में रखा बाद में. ये मूड पूरा परिवर्तन होना अभी बाकी है, मगर देश में लोगों का सोच में परिवर्तन हो रहा है. और बीच में ये बिल गेट्स फाउंडेशन वाला, वो लोग भी सैनिटेशन में भारत को समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने आके मुझे कहा, वेंकैया जी समस्या पैसा का नहीं है, समस्या माइंडसेट का है. तो माइंडसेट में बदलाव आना चाहिए. ओपन डिफिकेशन ग्रामीण इलाके में और शहरी इलाके में, जहां टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है, आम लोग, गरीब लोग क्या करते हैं, ओपन में अपना पेशाब करना, बाकी काम पूरा करते. इसलिए माइंडसेट चेंज करना महत्वपूर्ण है. साथ ही साथ उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, सुविधा चाहिए, वो होना चाहिए. अब सुविधा नहीं दे पाएंगे और कानून बनाएंगे, भाई पेशाब नहीं करना, पेशाब करे तो मैं 500 रुपये जुर्माना दूंगा, इससे काम होगा नहीं. इसलिए मेरा डिपार्टमेंट को मैंने कहा, देश भर में सभी स्थानीय इकाइयों को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी कह रहा हूं, भाई केंद्र और प्रदेश हम सब लोग मिलकर ये काम हाथ में ले, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे, टॉयलेट्स का निर्माण करे, सेकेंड और सैनिटेशन का व्यवस्था करे, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का व्यवस्था करे, और शहरी इलाके में पार्किंग का भी व्यवस्था करे. पार्किंग का व्यवस्था बहुत इलाके में नहीं है. बड़ा बड़ा मंजिल बनाते, मॉल्स बनाते, स्टॉल्स बनाते, रेस्टोरेंट बनाते, होटल बनाते, सिनेमा हॉल बनाते, मगर उसमें पर्याप्त पार्किंग होता नहीं. तो इसलिए एक इंटीग्रेटेड रूप में इसको देखना चाहिए. उसके लिए पूरा प्रयोजन प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं. मित्रों, ये दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, देश का दिल है. और ये बाकी देश में बाकी इलाका का लोगों को मार्गदर्शन करना चाहिए. ये दिल्ली कारण क्या है, देश का
दिल है और देश का राजधानी भी है, इसलिए ये सैनिटेशन सर्विस जो हुआ उसमें नॉर्थ कॉरपोरेशन, साउथ कॉरपोरेशन, ईस्ट कॉरपोरेशन काफी वृद्धि करना चाहिए। मुझे तीनों मेयर्स भी मिले थे आज, उनके पास साधन कम है मुझे मालूम है, मगर जो भी साधन है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहे, स्टेट गवर्नमेंट दे रहे, अपना सबको जोड़ के जितना संभव है तो उतना अपना स्तर पर वो लोग भी स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे। मैं वो लोगों को बताना चाहता हूँ और तेजी से इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। और साथ ही साथ मित्रों, दिल्ली का आबादी बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी है और हर एक दिन बाहर से लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं और कुछ लोग अपना व्यापार के लिए, नहीं तो अपना उद्योग के लिए, अपना अलग अलग पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए बहुत लोग दिल्ली आते हैं। इसलिए दिल्ली के ऊपर प्रेशर ज़्यादा है और कॉरपोरेशन के ऊपर भी, तीनों कॉरपोरेशन और NDMs के ऊपर भी बहुत ये प्रेशर है, मैं समझ सकता हूँ उसको। उस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए, उस हिसाब से होना चाहिए। दिल्ली में 1790 अनाथराज कॉलोनीस हैं, सभी इलाके में टोटल सैनिटेशन इको सिस्टम एक बड़ा चुनौती है। इस चुनौती को सब लोग मिलकर पार करना चाहिए और देश में 12% ग्रामीण इलाके में शौचालय का व्यवस्था नहीं है घर में 12% में, और अर्बन इलाके में भी 6.40% में टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा हमने देश में तय किया 13,630 कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट दिल्ली में निर्माण कर रहे, और साउथ दिल्ली में 8,000 से ऊपर और नॉर्थ दिल्ली में 4,500 के ऊपर और MCD में ये ईस्ट दिल्ली में 1,009, ये शॉर्टफॉल 11,130 कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट्स का अभी भी अभाव है। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा ये शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे और स्वच्छ भारत मिशन आने के बाद 7,060 कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स का निर्माण किया तीनों MCDs ने मिलकर। साउथ दिल्ली में 3,360 और नॉर्थ कॉरपोरेशन में 2,090 और ईस्ट कॉरपोरेशन में 1,500, मगर इसको मेंटेन करना भी एक समस्या है। मेंटेनेंस के लिए पानी चाहिए और ठीक तरह का सीवर का व्यवस्था चाहिए और डोर्स वगैरह कभी कभी ब्रोकन होता है पब्लिक टॉयलेट्स में, उसका कोई देखभाल करता नहीं है। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ बेटर क्वालिटी देने के लिए, अच्छा मेंटेनेंस करने के लिए, अच्छा जगह देने के लिए और उसको हाइजीनिक पब्लिक कम्युनिटी टॉयलेट्स का निर्माण करना बहुत जरूरी है। इस बीच में मैंने देखा, थोड़ा एक ट्रायल के रूप में मैंने NBCC को कहा, भाई आप कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी के नाते दिल्ली में कुछ करो। तो उन्होंने, वो सामने आया कि नम्मा टॉयलेट, नम्मा मीन्स अवर, नम्मा टॉयलेट के रूप में उन्होंने अवर टॉयलेट तमिलनाडु में, तमिल में नम्मा माने अवर, तमिलनाडु में एक कार्यक्रम शुरू हो गया। वो अनुभव सफल रहा, लोग बहुत प्रशंसा कर रहे, चेन्नई शहर में मैंने खुद देखा लोग जनरल पब्लिक, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी उसका उपयोग कर रहे। इसलिए मैंने सोचा एक मॉडल के रूप में, वो मॉडल के लिए कॉरपोरेशन पैसा खर्च करे अच्छा नहीं है, इसलिए हमने NBCC को कहा आप मॉडल प्रस्तुत करो। इसलिए आज इस इलाके में स्वच्छ शौचालय के नाम पे हम लोग इसको ये आज ले रहे। मैं और एक बार ये NBCC को 30 लोकेशन में आज साइमेंटेनियसली हम आज यहाँ इसका उद्घाटन कर रहे, मगर इसी समय पूरा शहर में 30 लोकेशंस में ये टॉयलेट्स का शुरुआत आज से शुरू होगा, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत ईच यूनिट 4 टॉयलेट सीट्स है, 4 यूरिनल्स है, इसका कास्ट है 13 लाख रुपया। ये मॉडर्न टॉयलेट फैसिलिटीज आर बीइंग इनाग्रेटेड टुडे 20, आफ्टरवर्ड्स रिमेनिंग 9 लोकेशंस। प्रीति विहार में, ईस्ट दिल्ली में 9 लोकेशंस है, 6 साउथ दिल्ली में है, 5 नॉर्थ दिल्ली में है। आने वाले दिनों में बाकी इलाके में भी व्यवस्था होगा। इसमें फायदा क्या है मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं देना चाहता हूँ। इसका फिटिंग और रेसिस्टेंट, कोई आके नॉर्मली आपको मालूम है ना, कुछ फिटिंग विटिंग ले जाते हैं क्या, वह इतना आसान नहीं है। दूसरा मेड ऑफ हाई एंड कंपोजिट मटीरियल यूज इन एयरक्राफ्ट
एंड हाई क्लास रेलवे कोचेस में जो यूज करता है ऐसा मटेरियल इसमें भी यूज किया है. तीसरा कंफर्टेबल डिजाइन टू सीट द यूज ऑफ द यूजर, जो लोग उपयोग करने वाले हैं उनके लिए पूरा सुविधा इसमें है. और चौथा कॉर्नर्स एंड एडजेस राउंडेड ऑफ टू प्रिवेंट डस्ट अक्यूमुलेशन, गंदे ना हो इसके लिए व्यवस्था किया है. स्पेशल पेंटिंग्स यूज टू प्रिवेंट बैक्टीरियल ग्रोथ एंड स्मेल ऑल्सो, गंदे स्मेल भी आता है इसलिए उसके लिए अलग पेंटिंग का व्यवस्था किया है. ईज ऑफ एक्सेस टू ऑल इंक्लूडिंग फिजिकली चैलेंज, जो असहाय निसहाय लोग हैं और जिसको हम लोग डिजेबल्ड कहते हैं उनको भी ध्यान में रख के इसमें व्यवस्था किया गया है. Well, those were live visuals there from Venkaiah Naidu, the Minister for Urban Development, speaking at the inauguration of the model Swachh public toilets in Prithvi Vihar in New Delhi. What he was specifically speaking there was can't slap penalty for implementation of Swachh Bharat mission on the people without first creating awareness about that particular issue among the people and also establishing the necessary infrastructure for fines to be implemented at a later date. Well,